दोस्तों आज का जमाना जो है ऑनलाइन का है और इसी तरीके से हर चीज जो है डिजिटल होती जा रही है। आज से बात करें कुछ साल पहले की तो हम लोग जो है एमएस वर्ड पर लिखते थे, लेकिन अभी जो है हम डायरेक्ट जो है गूगल डॉक्स पर लिखते हैं। गूगल डॉक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन होता है और वहां पर आप जो भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिक सेव होता जाता है, तो कोई भी डाटा का गायब होने का डिलीट होने का तो झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल डॉक्स में फोटो अपलोड कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल फोटो से अपने डायरेक्ट जो है गूगल डॉक्स में फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट जो है गूगल सर्च से अपने गूगल डॉक्स में फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव से गूगल डॉक्स में फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको लोगों को एक बोनस टिप्स दूंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूं गूगल डॉक्स में फोटो इंसर्ट करने के लिए, यानी कि कॉपी पेस्ट का बहुत ही फास्ट तरीका। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे गूगल डॉक्स में फोटो अपलोड करते हैं या फिर फोटो लगाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम के पंचपति, स्वागत करता हूं आपके चैनल में। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, गूगल डॉक्स में फोटो लगाने के लिए या फिर फोटो अपलोड करने के लिए हमें अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल डॉक्स को ओपन करना होगा। तो यहां पर आपका गूगल अकाउंट से यहां पर लॉगिन होना चाहिए, तो मैंने यहां पर लॉगिन किया हुआ है। तो यहां पर गूगल अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहां पर जो गूगल मेनू है, गूगल एप्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर डॉक्यूमेंट है डॉक्स वाला जो एप्लीकेशन है इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए सिलेक्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है पहले से, जैसे मैंने यहां पर टेस्ट करके आप लोगों को बताया, तो इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि गूगल डॉक्स में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, गूगल डॉक्स में बोलकर हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं। तो यदि आप लोग नए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर जो है कुछ यहां पर मैं अलग से फोटो इंसर्ट करके बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग जो है गूगल डॉक्स में फोटो इंसर्ट कर सकते हैं और कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका ये है कि आपको यहां पर मान लीजिए कि हमने यहां पर ये चीजें लिख दिया है और यहां पर फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहां पर देखिए ये जो है इंसर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहां से देखिए दोस्तों अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से हम दोस्तों यहां पर फोटो अपलोड कर सकते हैं, सर्च द वेब से हम जो है फोटो यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ड्राइव से हम यहां पर फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं, गूगल फोटोज ऐप है वहां से भी फोटो ले सकते हैं, और यदि कोई यूआरएल है तो वहां से भी हम ले सकते हैं। इवन अगर आप जो है लैपटॉप में गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है कैमरे से भी फोटो ले सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर देता हूं एग्जांपल, और मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आप लोगों को एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली जो है बिना यहां पर तामझाम किए डायरेक्टली दोस्तों आप गूगल डॉक्स में फोटो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं और यहां पर दोस्तों यहां पर जो है कुछ फोटोज जो है तो मैं यहां पर इंसर्ट करना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फोटो जो है जो मैंने थंबनेल बनाया है इसको ही ओपन कर देता हूं। तो ये जो मैंने थंबनेल बनाया है तो मैंने इसको अपने कंप्यूटर से गूगल डॉक्स में इसको अपलोड कर दिया, बस सेकंड भी नहीं लगा और दोस्तों ये फोटो जो है यहां पर अपलोड हो गया। चलिए अब दूसरे तरीके की बात करता हूं कि गूगल डॉक्स में फोटो अपलोड करने का दूसरा तरीका क्या है। सिंपली यहां पर हमने दोस्तों अपने कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से फोटो अपलोड कर दिया है, अब सर्च द वेब पर क्लिक करते हैं तो यहां पर गूगल इमेजेस आ चुका है। अब यहां पर बोल रहा है कि ओनली सेलेक्ट इमेजेस दैट यू हैव कंफर्म दैट यू हैव द लाइसेंस टू यूज। तो यहां पर जो भी इमेज आप इस्तेमाल करने वाले हैं, मान लीजिए ऑनलाइन कंटेंट पैसे कमाने के लिए, तो आपको यहां पर लाइसेंस वाले इमेजेस को ही इस्तेमाल करना होगा। तो सिंपली यहां पर मैं सर्च करता हूं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर वाला जो है मुझे फोटो चाहिए कोई कंप्यूटर का, तो मैं यहां पर कंप्यूटर सर्च करता हूं और यहां पर कई सारे जो है फोटोज जो है आ चुके हैं गूगल की तरफ से। तो मान लीजिए कि मुझे दोस्तों ये वाला जो कंप्यूटर का फोटो है वो मुझे चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहां पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये जो फोटो है मेरा यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद से मैं इस पर क्लिक करके एंड इसको जो है ड्रैग एंड थोड़ा करके मैं छोटा कर देता हूं एंड ये फोटो भी यहां पर आ चुका है। अब आइए गूगल डॉक्स में फोटो अपलोड करने का कुछ नया तरीका बताता हूं। तो सिंपली यहां पर क्लिक करिए और यहां पर दोस्तों आपको ड्राइव गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा है, तो गूगल ड्राइव पर क्लिक कीजिए एंड यहां पर गूगल ड्राइव का ऐप यहां से जो है कनेक्टेड हो जाएगा आपका। और यहां पर दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यहां पर पहले से फोटो है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, जो भी फोटो आप यहां से गूगल डॉक्स में इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव से, तो यहां पर इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए तो ये फोटो भी यहां पर आ चुका है।
अब यहाँ पर मैंने तीन तरीका बताया जिसका इस्तेमाल करके आप लोग गूगल डॉक्स में फोटो अपलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पर आप जो है बाय यूआरएल लगा सकते हैं। अगर कहीं किसी मतलब वेबसाइट पर यूआरएल वो है तो उस फोटो को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर गूगल सर्च किया और यहाँ पर मैं कोई इमेजेस लगाना चाहता हूँ कि लैपटॉप का, मैंने यहाँ पर लैपटॉप सर्च किया और यहाँ पर मैंने इमेजेस पे क्लिक किया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने ये वाला जो इमेज है इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी लिंक कर दूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये वैलिड लिंक होगा तो यहाँ पर लगा सकते हैं, वरना यहाँ पर एरर होगा तो नहीं आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पर गूगल ड्राइव है, वहाँ पर आपका जो लिंक है कोई फोटो है उस लिंक को आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। सिंपली मैं जाता हूँ यहाँ पर न्यू टैब में एंड यहाँ पर इमेज पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ गूगल सर्च में और यहाँ पर मैं एक लैपटॉप और प्रोसेसर का मैंने यहाँ पर सर्च किया। यहाँ पर कई सारे दोस्तों यहाँ पर इमेजेस आ गए, इस पर मैंने क्लिक किया और ये फोटो है और इस फोटो को मुझे गूगल डॉक्स में लगाना है। तो मुझे यहाँ पर इसको पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद से फिर से गूगल डॉक्स में माई कंप्यूटर से इसको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं इस यहाँ पर एक नया तरीका अपनाने वाला हूँ। जैसे कि आप चाहें तो या डायरेक्टली यहाँ पर इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए तो ये जो फोटो है हमारा गूगल डॉक्स में अपलोड हो गया। ओके दोस्तों, और यहाँ पर एक तरीका और है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई और इमेजेस है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये इमेजेस है और हम ये पूरा इतना बड़ा इमेजेस नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्रॉप करके लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक टूल्स होता है प्रिंट स्क्रीन, हमारे पीसी में होता है, कंप्यूटर विंडो 10 में होता है। विंडो 10 में नहीं, मैं बोलूंगा कि जो है ये हमारा फीचर्स है, विंडो 10 विंडो 11 में भी होगा। तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग करके हम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये जो है डिफॉल्ट क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो देखिए ये फोटो भी हमारा गूगल डॉक्स में अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि कई तरीके से हमने यहाँ पर गूगल डॉक्स में फोटो अपलोड कर दिया। यदि आप लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक से रख दीजिएगा और इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।